चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2020 में चौथी हार, जीत की पटरी पर लौटी कोलकाता। विराट कोहली के कोच ने किया दावा, बोले आरसीबी नहीं, ये टीम है आईपीएल जीतने की दावेदार। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2020 में चौथी हार, जीत की पटरी पर लौटी कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच को कोलकाता की टीम ने 10 रन से जीत लिया। चेन्नई की टीम की आईपीएल 2020 में ये चौथी हार है, जबकि केकेआर की दूसरी जीत। इस मैच में केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राहुल त्रिपाठी की दमदार निस्फ सेंचुरी के दम पर 20 ओवर में 167 रन बनाए। सीएसके के सामने जीत के लिए 168 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 20 ओवर खेलकर 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और मुकाबला 10 रन से हार गई। इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी को मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। विराट कोहली के कोच ने किया दावा, बोले आरसीबी नहीं, ये टीम है आईपीएल जीतने की दावेदार। इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने एक बड़ा दावा यूएई में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर किया है। राजकुमार शर्मा ने विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी को नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इस सीजन के जीतने का दावेदार माना है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पास अच्छे हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं और कगिसो रबाडा टीम के लिए सबसे अहम और ज़रूरी खिलाड़ी हैं। शेन वॉटसन ने ऑल टाइम 5 बेस्ट T20 के गेंदबाजों का इंतखाब किया। सीएसके के स्टार ओपनर बल्लेबाज शेन वॉटसन ने अपने पसंदीदा T20 क्रिकेट के 5 गेंदबाजों का इंतखाब किया है। 39 साल के वॉटसन को T20 का बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है। वो चेन्नई की टीम से आईपीएल में खेलते हैं। इस सीजन के पहले 4 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी खास नहीं थी, लेकिन पंजाब के खिलाफ 5वें मैच में उन्होंने नॉट आउट 83 रन बनाए। उन्होंने टॉप 5 बेस्ट गेंदबाजों में श्रीलंका के लसित मलिंगा को पहले नंबर पर रखा है और कहा कि उनकी तरह यॉर्कर फेंकने वाला गेंदबाज पहले कभी नहीं था और आने वाले वक्तों में ऐसे गेंदबाज को देखना मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को रखा, फिर तीसरे नंबर पर 26 साल के डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का इंतखाब किया है। चौथे नंबर पर उनकी टीम के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का इंतखाब किया और 5वें नंबर के लिए केकेआर के सुनील नारायण को चुना है। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। लिवरपूल के फॉरवर्ड खिलाड़ी शकीरी कोरोना पॉजिटिव। स्विट्जरलैंड और लिवरपूल के फॉरवर्ड खिलाड़ी जरदान शकीरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्विट्जरलैंड सॉकर फेडरेशन ने इस बात की जानकारी दी। शकीरी इस वक्त आइसोलेशन में हैं। राफेल नेडाल 13वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में, स्क्वाड्समैन ने थामी थीम की मुहिम। फ्रेंच ओपन के बादशाह राफेल नेडाल ने मंगल के रोज सीधे सेटों से जीत हासिल करके 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कदम रखा है, जहां उनका मुकाबला डीगो स्क्वाड्समैन से होगा। नेडाल को इटली के 19 साल के जेनिक सिन्नार से शुरू में चैलेंज मिला, लेकिन इसके बाद उन्हें 7-6, 6-4, 6-1 से मैच जीतने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। स्क्वाड्समैन ने यूएस ओपन के विनर डोमिनिक थीम को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 और 6-2 से हराया।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज की सारी अपडेट्स मिलती रहे। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।